बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले सामीन ग्राम को अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर ऑफियत से होंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी सारी प्रोडक्ट यहाँ पर मैंने रखी हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं मच्छरों को मारने के लिए या मच्छरों को अपने घरों से भगाने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए अच्छी रहती है, किस प्रोडक्ट का आपको फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी होता है। तो आज की वीडियो को बकायदा तफसील से देखिएगा। इस वीडियो को देखते हुए आप अपने घर से मच्छरों को बासानी और बहुत ही अच्छे तरीके से भगा सकेंगे, आपके पास मच्छर नहीं आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले कि हम वीडियो की बकायदा तफसील में बढ़े, मैं अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ कॉस्मेटिक्स एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को हमारी डेली वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस स्प्रे की। इस स्प्रे को हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं मच्छरों को भगाने के लिए। इसका क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान है? इसका सबसे पहले ये होता है फ़ायदा कि हम इसको स्प्रे करते हैं, मच्छर वक्ती तौर पर भाग जाते हैं। अगर आप इसको अपने रूम के अंदर स्प्रे करते हैं और उसके बाद अपना दरवाज़ा बंद कर देते हैं, तो मच्छर अंदर जितने भी हो गए सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अंदर ये आपके स्प्रे आपके ऊपर पड़ गई तो इसका आपको नुकसान होगा। अगर ये आपके खाने वाले बर्तनों में पड़ेगी तो तभी आपको नुकसान होगा। आपको ये ऐसी जगह इस्तेमाल करनी होगी कि जिस पर कोई, जहाँ पर आपको खाने पीने वाली चीज़ें ना हो। आप अपने रूम में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी स्मेल इस तरह की होती है कि ये आपका गला ख़राब कर सकती है। तो इसलिए जो होता है ये मच्छरों को भगाने के लिए कारामद है, बहुत अच्छी है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये नुकसान करती है कि आपके गले को काफ़ी हद तक डैमेज करती है, नुकसान देती है, आपको खांसी वगैरह शुरू हो सकती है। तो आपके खाने वगैरह में अगर मिल जाती है तो ये जहर है आपके अंदर, खाने के साथ जहर अंदर चला जाएगा। तो फिर भी आप इसको, इससे लिए आपको इससे इजतनाब करना चाहिए, आपको इससे बचना चाहिए। तो अगर आप सिर्फ रूम में स्प्रे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, करनी है तो तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड चीज़ होती है लोशन। ये दोनों लोशन है, यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों जो है हमारे पास, एक ये बोतल के अंदर और एक ये साशे के अंदर। आमतौर पर हमारे देहातों में और इधर छोटे शहरों में क्या होता है कि ये वाला लोशन, क्योंकि सिर्फ 5 रुपये का आता है, लोग इजीली इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से कट करते हैं लोशन अपने हाथों पर, अपने पाँव पर, इवन के आप अपने फेस पर इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इसको फेस पर इस्तेमाल करना बहुत नुकसानदेह होता है, इसको कभी भी फेस पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बकायदा इसके ऊपर दर्ज भी होता है कि आप इसको फेस पर इस्तेमाल ना करें, आप अपने हाथों पर, टांगों पर और इस तरह के जगह पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका ये होता है कि अगर आप इसको अपने हाथों पर लगा लेते हैं या बच्चों के हाथों पर लगाते हैं, और बच्चे वही हाथ है जिन पर ये आपने लोशन लगाया था, उसको अपने मुंह में डाल लेते हैं, तो अभी इसको आपको नुकसान दे सकता है, बहुत ज़्यादा हद तक ये नुकसान दे सकता है। और अगर आप इसको फेस पर इस्तेमाल करते हैं तो आपके फेस पर पिंपल्स भी बनना शुरू हो सकते हैं। तो इसलिए ये वाला भी दो चीज़ें जो है ना, ये हमने दो चीज़ें आपके साथ बता दी कि दो चीज़ें ये फ़ायदा देती हैं और ये नुकसान देती हैं। बाकी ये बात है कि यहाँ पर ये आप अपने हाथों पर, फेस पर यहाँ भी लगा लेंगे, वहाँ पर फिर मच्छर वो बिल्कुल करीब करीब भी नहीं भटकेंगे। तीसरी चीज़ हमारे पास कॉमन जो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, वो इसको बोलते हैं, ये वाली चीज़ जिसको आम जबान में जलेबी भी बोलते हैं, और ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जो सही नाम होता है वो क्वाइल होता है, लेकिन ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में इसको जलेबी ही बोला जाता है। ये ब्राउन कलर, ब्लैक कलर में भी आती है और रेड कलर में भी आती है। जो रेड कलर की होती है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक स्मेल छोड़ती है, जिसकी स्मेल जो है वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन एक बात हो रहा है कि ये आपको मुख्तलिफ फ्लेवर में भी मिल जाती हैं, अच्छे फ्लेवर में मिल जाती हैं, जिसकी स्मेल अच्छी होती है। लेकिन दोस्तों, इसका धुआं होता है और धुआं कमरे में बहुत हद तक जमा रहता है, और ये धुआँ ही जो है मच्छर को ख़त्म करता है। इसलिए इसका धुआँ बहुत ज़्यादा हद तक जो है ना वो नुकसान भी देता है। ऐसे भी कस्टमर मैंने देखे कि जिनके बच्चे जो है ना, वो सिर्फ इसके धुएं की वजह से उनके गले में प्रॉब्लम हुई है और उनको इस तरह की गले की इन्फेक्शन हो सकती हैं। इसलिए इसको भी आप लोग अवॉइड करें, इससे कोशिश करें इससे भी बचा जाए। तो इसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है ये वाली मशीन, रिफ़ल हीटर है। इसको रिफ़ल हीटर बोलते हैं। ये मुख्तलिफ कंपनीज़ का आते हैं, मोर्टिन का भी आता है, मेट्रो का आता है, पांडा का आता है, फाइटर का आता है, और भी काफ़ी मैक्सटक्स का भी आते हैं, यानी कि काफ़ी तरह के ये आते हैं। दोस्तों, मैं काफ़ी अरसा दराज से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने घर में, हमारे पास जितने भी रूम हैं उनके अंदर यही इस्तेमाल होते हैं, और ये बहुत ही कमाल की प्रोडक्ट है। इसकी सबसे जो मेन वजह, जो मुझे इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी लगी है, वो ये होती है कि
इसकी खसूसियात कि ये स्मेल नहीं छोड़ती बहुत ज़्यादा। आपको अंदर आप इसको अपने कमरे के अंदर रूम के अंदर लगा लेंगे तो तब आप देखेंगे कि ये 3-4 घंटे चलने के बावजूद भी आपको किसी किस्म की अपने रूम से अपने कमरे से इसकी किसी किस्म की स्मेल नहीं आएगी। आपने इसको कैसे लगाना है, आपने जिस तरह मैंने इसको अभी ये आपने ये इसके ऊपर इस तरह कैप होता है इसको निकालना है, ऐसे रिमूव करके आपने इसके अंदर जो है ना इसको एडजस्ट कर देना है और इसको जस्ट आपने किसी भी अपने पास से जो सॉकेट होती है उसके अंदर लगा लेना है। यहाँ पर 220 करंट आ रहा हो, याद रखिएगा 220 करंट पर ये चलेगी, 12 वोल्टेज पर नहीं चलेगी, 110 पर नहीं चलेगी, ये 220 करंट पर चलेगी और आपने लगा देना है। दूसरी बात है कि इसको लगाने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर भी है, मैंने इस पर अलग से वीडियो बनाई है, यहाँ पर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये इसका फ़ायदा ये है कि ये बिल्कुल स्मेल नहीं करती है और दूसरा फ़ायदा ये कि आपके गले वगैरह इस तरह की कोई भी आपके बच्चों को भी किसी किस्म का गला ख़राब होने की प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बात कि कुछ लोग कहते हैं कि ये काफी महंगी होती है इसलिए लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। दोस्तों ये सिर्फ 300 में आपको मिल जाएगी ये टोटल दोनों चीजें और जब ये आपका लीक वर्ड खत्म हो जाता है तो आप इसको इजीली चेंज कर सकते हैं, रिमूव करके न्यू लेकर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां देख सकते हैं कि ये 60 नाइट के लिए लिखा हुआ है बकायदा, ये यानी कि आप इसको ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला लिक्विड, ये तकरीबन आपके 60 नाइट इस्तेमाल हो सकता है और ये आपको 100-120 या 150 रुपये में भी मिल जाता है, मुख्तलिफ कंपनी का होता है। और ये वाली जो मशीन होती है जैसा कि ये हमारे पास फाइटर वालों की है तो इसमें ये नहीं है कि ये ही सिर्फ फाइटर वालों का ही इसके अंदर लिक्विड एडजस्ट होगा, नहीं, अब मोर्टिन का लेकर अब पांडा का लेकर अब मेट्रो का लेकर कोई भी जो होता है मैक्स टक्स का वो किसी भी मशीन के अंदर एडजस्ट हो जाता है। ये सबके यहाँ पर एक जैसी होती हैं, ये जो यहाँ से इसकी जो फिटिंग होती है ये एक जैसी होती है और ये मशीन के अंदर हर तरह का लिक्विड जो होता है वो किसी भी कंपनी का इसके अंदर एडजस्ट हो जाता है, नो प्रॉब्लम। अभी आते हैं दूसरी बात है कि ये यहाँ पर 60 नाइट के लिए लिखा, तो दोस्तों ये इस वक्त जो है ये 120 रुपये का आपको मिल जाता है ये फाइटर वालों का और 120 रुपये में क्या आपका एक मंथ भी गुजर जाए तो क्या बेहतर नहीं। वैसे हम जो इस्तेमाल करते हैं, हम कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, रात को तकरीबन 8 बजे के करीब 9 बजे के करीब हम इसको ऑन कर देते हैं और सुबह जैसे ही नमाज के लिए उठते हैं, फजर नमाज के लिए उठते हैं तो उस वक्त मैं इसको ऑफ़ कर देता हूं। मेरे घर में जितने भी इस तरह इस्तेमाल हो रही हैं सबको हम सुबह उठने के बाद ऑफ़ कर देते हैं तो तकरीबन ये 2 मंथ तक चलते हैं, ये बिल्कुल ये 2 मंथ निकाल देते हैं। अगर 2 मंथ ना भी आप इसको इस्तेमाल करें, 1 मंथ भी निकालें तो मैं कहता हूँ कि ये 120 या 150 रुपये में आपको मिल जाए तो ये बहुत ही आपके बहुत ही ईजी है, इससे बेहतर है वो दूसरी चीज़ों के जो आप इस तरह की इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे, क्योंकि अभी अगर ये आप देखें तो ये भी आपको 100 रुपये में मिल रही है, 20 रुपये की एक ये जो होती है आपको मिलेगी और ये भी आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा कितना 10-20 दिन तक इस्तेमाल कर लेंगे तो ये काफ़ी इसके जो नुकसान है वो मैंने बता दिए लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, अगर हम मज़ीद इनकी डिस्क्रिप्शन में पढ़े रहेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अगर आप अलग से कुछ जानना चाहते हैं इनके मतलब तो आप नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इनके ऊपर इसके इस्तेमाल के इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल सही नहीं करते तो वो क्यों, वो मैंने अलग से वीडियो बनाई है या लास्ट में आपको वीडियो नजर आ जाएगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।